हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस वीडियो इट इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इज ईवीएस एंड स्टूडेंट्स एज यू नो दैट माय नेम इज जय प्रकाश गुप्ता ओके जेपी सर चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर पानी के साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वाटर एंड एक्सपेरिमेंट विद द वाटर ओके स्टूडेंट व्हाट फ्लड्स व्हाट सिंक्स क्या बहता है क्या डूबता है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इट ओके स्टूडेंट्स ओके लेट अस सी अबाउट दिस पॉइंट ओके इसमें स्टूडेंट आयशा वॉच्ड हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड बट पुट इट इन हॉट ऑयल इसमें आयशा देखती है कि उसकी मम्मी बेलन से रोटी पूरी बेल करती है रोल करके उसे कढ़ाई में डालती है गरम तेल में एंड देन क्या होता है स्टूडेंट पहले पूरी शंख डूब जाता है एंड बॉटम ऑफ द पान तावे के एकदम नीचे डूब जाता है एज इट पफ्ड अप जब वो फूल जाता है पूरी कम अप तो पूरी क्या होती है अब वो तेल में बहने लगती है व्हेन पूरी डिड नॉट पप अप जब वो पूरी फूलती नहीं है तो क्या होती है वो ऊपर तैरती नहीं है तेल में ठीक है स्टूडेंट आयशा टुक सम डफ आयशा ने क्या किया आटे के गोले थोड़े लिए और उसे रोल्ड आउट इनटू अ बॉल और उसे गोल गोल बेल दिए सी फ्लैटर्ड एंड इट पुट इन द बाउल ऑफ वाटर उसने क्या किया उसे फ्लैट करके बना करके बाउल ऑफ वाटर पानी के कटोरे में रख दिया इट सैंक इट द बॉटम और पानी में डूब गया एंड स्टैड देयर और वो वहीं पर रुका रहा स्टूडेंट ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ कि पफ्ड पूरी तो पकी हुई पूरी जो है वो इन अ बाउल ऑफ वाटर वुड इट सिंक और फ्लोट तो जो पूरी जब फूल जाती है तो क्या वो पानी में तैरेगी या डूब जाएगी ओके इन द इवनिंग ऐसा वेंट फॉर अ बाथ शाम के टाइम ऐसा बाथरूम में गई सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड ऐसा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगैन जैसी वो बाहर आई उसकी मम्मी ने कहा ऐसा अपने साबुन जो है पानी में वापस गिरा दिया टेक इट आउट वापस ले लो पुट इट इन द सोप केस और जो सोप का जो जगह है वहाँ पे रख दो ऐसा वॉज इन अ हरी ऐसा जल्दी में थी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ और सोप केस साबुन रखने की जो जगह थी कटोरी वो फेल आउट ऑफ और उसके हाथ से गिर गया था इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर और पानी में तैरने लगा ऐसा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस ऐसा ने आराम से अपना हाथ सोप केस में रखा सी सॉ दैट केस कंटिन्यू टू फ्लोट और वो क्या होता है उसका जो साबुन का जो केस था रखने की जो छोटी सी जगह होती है ना स्टूडेंट आप बाथरूम में रखते हो साबुन वो उसमें तैर रहा था हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी में कुछ तैरता हुआ और बाकी सब डूबते हो थिंक हाउ इज हैपेंड सोचिए ये कैसा होता है इस पोएम में आप देखेंगे इसमें इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं ठीक है स्टूडेंट डू दिस एंड फाइंड आउट इसे आप कीजिए और फाइंड आउट ढूंढिए ओके स्टूडेंट ओके मार्क फॉर थिंग दैट प्लॉट मार्क क्रॉस दैट दोस थिंग सिंक स्टूडेंट आपको घर में एक्सपेरिमेंट करना है जो वस्तु यहाँ पे तैरती है उसको आपको राइट मार्क करना है और जो डूब जाती है उसमें क्रॉस लगाना है और जो तैरती है यू हैव टू मार्क इट राइट जो नहीं तैरती उसमें क्रॉस करना है ओके स्टूडेंट ओके लेट अस सी अनदर नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फाइंड आउट द अदर ग्रुप्स विच थिंग फ्लोटेड विच सैंक इन वाटर और भी ग्रुप के पता लगाइए जो पानी में तैरते हैं और डूबते हैं ओके स्टूडेंट आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए इसमें स्टूडेंट ठीक है क्या है मैजिक है व्हेन आयशा वॉक अप इन द मॉर्निंग जब आयशा सुबह उठती है अम्मी हैड फेवर
मम्मी को क्या था, फीवर था। अब्बू मेड सम टी, अब्बू ने चाय बनाई। वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, अम्मी को दवाइयाँ दी। ही टोल्ड आयसा, आयसा को कहा यू बॉयल एग, आप अंडे को गर्म करो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वॉटर, और पानी में नमक डालिए, नमक भी डालना। आयसा टुक वाटर इन द पॉट, आयसा ने मटके में पानी लिया। बाय मिस्टेक सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वॉटर, और गलती से उसने बहुत सारे नमक डाल दिए। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, तो एक जो था वो पानी के ऊपर तैरने लगा। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट ए लेमन इन इट, कुछ पानी लीजिए उसमें नींबू डालिए। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वॉटर, और पानी में नमक डालिए हाफ अ स्पून एट ए टाइम, एक समय पे आधा चम्मच। वेर वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, क्या आप सक्षम बने नींबू को पानी में तैराने में। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। द लेमन फ्लोटेड इन सल्टी वाटर बिकॉज पानी, नींबू जब नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि डेड सी। स्टूडेंट डेड सी के बारे में आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, ऑल ओशियन सीज हैव सल्टी वाटर, सारे समुद्र और समुद्र में नमकीन पानी होता है। द सल्टीस्ट ऑफ ऑल द इज द डेड सी, तो डेड सी में भी क्या होता है, सल्टी नमक वाला पानी होता है। 300 ग्राम ऑफ सल्टी इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या होता है, नमक होता है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सल्टी वाटर, इट वुड बी वेरी बिटर, वो बहुत कड़वा हो सकता है। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन स्टूडेंट उसको तैरना भी नहीं आता, सी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, तो वो इस पानी में क्या होता है, वो डूबता नहीं है। सी विल फ्लोट इन वाटर, और वो पानी के ऊपर तैरता है। एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे लगता है कि वहाँ पे सो रहा है। स्टूडेंट यू कैन सी हियर, जैसे लगता है कि आदमी यहाँ पे सो रहा है, बट ये डेड सी होता है। डेड सी में मतलब पानी में बॉडी तैरती है। वट डिजल्व वट डिड नॉट, क्या पानी के अंदर घुल जाता है और क्या नहीं घुलता। स्टूडेंट लाइक अ शक्कर, चीनी, शुगर, शुगर कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर, शुगर पानी में घुल जाता है। बट सल्ट वॉज नॉट डिजॉल्व इन द, सल्ट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन द वाटर, नमक जो होता है पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, उसे गर्म कर दे तो वापस हम नमक पा सकते हैं। डू दिस एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को आप कीजिए अपने घर पे, ठीक है। मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। यू विल नीड 4 to 5 ग्लासेस ऑफ बाउल्स, स्पून्स, वाटर एंड थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, ट्राई टू डिजोल्व 1 थिंग इन 1 ग्लास, ऑब्जर्व दैट वॉट हैपेंस नॉट इन द टेबल, और ये देखिए कि क्या होता है। पहला थिंग से स्टूडेंट आपका नमक, सल्ट, क्या ये डिजोल्व होता है। वॉट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद क्या होता है, यू हैव टू राइट हियर। सोइल, मिट्टी, क्या डिजोल्व होता है, नो। 2 मिनट के बाद क्या होता है, चॉक पाउडर, डिजोल्व होता है, नो। राइट हियर ऑब्जर्वेंस, 1 स्पून मिल्क डिजोल्व होता है, यस डिजोल्व होता है। ऑयल, यस इट इज ऑल्सो डिजोल्विंग, इट इज ऑल्सो डिजोल्वेबल। नाउ स्टूडेंट वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आई सा एंड हमीद हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक्सपेरिमेंट करते समय आयशा और हमीद के बीच में क्या, वो आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट मतलब स्टूडेंट एक तरह की बातचीत। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट, आयशा को महसूस लगा, स्टीयरिंग मतलब हिलाने के बाद, हिलाने के बाद मतलब उसे घुलाने के बाद, हिलाने के बाद, द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, तेल जो था स्टूडेंट वो पानी में तैरने लग, डिजॉल्व पानी, तेल जो है डिजॉल्व पानी में घुल गया। हमीद डिड नॉट एग्री, हमीद एग्री इससे सहमत नहीं था। ही सेड, उसने कहा लुक द टीनी येल्लो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। हमीद ने कहा देखो
छोटे छोटे पीले कलर के जो तेल के जो ड्रॉप हैं वो पानी में देखे जा सकते हैं। आयशा सेड, आयशा ने कहा, लेट अस वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, कुछ समय इंतजार करो और देखो। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर, आप क्या सोचते हो तेल जो है पानी में डिजॉल्व हो गया? वट डू यू थिंक सो, आप क्या सोचते हैं ऐसा? रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स नेक्स्ट टू द दैट सी पुट टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ड्रॉप्स ऑफ शुगर सोल्यूशन सी टिल्टेड द लीड द सो सी सो सम ड्रॉप्स लीड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा ने क्या किया, पुट टू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड, लीड पे क्या किया, दो ड्रॉप्स लिए लीड ऑफ द टिफिन बॉक्स के ऊपर ड्रॉप डाले ऑयल के, नेक्स्ट टू द सी पुट टू ड्रॉप पानी के दो बूंद डाले और टू ड्रॉप शुगर के और चीनी के दो बूंद डाले, सी टिल्टेड लीड और उसने क्या किया टिफिन बॉक्स को थोड़ा टिल्टे थोड़ा टेढ़ा कर दिया। सी सो उसने देखा, ऐसे ने देखा सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली, कुछ जो ड्रॉप हैं वो थोड़ा टिल्टेड टिफिन को थोड़ा झुकाने पर वो पानी धीरे धीरे गिरने लगे। वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, और बाकी सब जो थे जल्दी गिरने वाले के थोड़े पीछे थे। यू ऑल्सो ट्राई टू डू सच द सेम, आप भी ऐसा स्टूडेंट कोशिश करिए करने की। वेयर डिड द वाटर गो, स्टूडेंट पानी कहाँ जाता है, वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया। वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉइल ऑन द स्टोव, एक दिन आयशा की मम्मी ने क्या किया, सिगड़ी मतलब गरम सिगड़ी के ऊपर मतलब स्टोव चाय बनाने के लिए पानी रखा। सी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और वो किसी काम में बिजी हो गए और उसके बारे में चाय बनाने के बारे में भूल गई। वेन सी रिमेम्बर्ड एंड केम टू चेक, जब उसे याद आया तो वो आई चेक करने के लिए। सी फाउंड वेरी लिटल वाटर लेफ्ट इन द पान, और उसने ये पाया कि बहुत ही कम पानी बची हुई है पान में। पान मतलब स्टूडेंट पैन, पैन मतलब बर्तन में, बर्तन मतलब तावा भी स्टूडेंट ये कह सकते हैं पैन। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, सोचो पानी कहाँ चला गया। व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, सोचो स्टूडेंट पिछले लास्ट टू बिफोर टू चैप्टर चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू वो मैंगो को क्या करते थे, सन की लाइट में रखते थे ताकि उसकी पानी सन एब्जॉर्ब कर ले, हवा में वाष्पीभवन हो जाए और हमें अच्छे से मैंगो पापड़ी मतलब मम्मी तंत्र खाने को मिले। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, आपके घर पे क्या चीज बनाई जाती है बाय ड्राइंग इन द सन, सूरज में सुखाने के बाद। दांडी मार्च, दिस इंसिडेंट टूक प्लेस इन 1930, ये जो घटना हुई थी स्टूडेंट हुई थी 1930 में, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और भारत की आज़ादी होने से पहले। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सेल्फ देमसेल्व्स, बहुत साल पहले अंग्रेजों ने हैड मेड देयर मेड अ लॉ ऑफ दैट डिड नॉट, एक कानून बनाया बहुत साल पहले अंग्रेजों ने, वो कानून ये था कि भारतीय लोग को नमक उनके मर्जी से ले जाने की इच्छा नहीं थी, मना कर दिया था, उनकी इच्छा अनुसार नहीं ले जा सकते।
दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और नमक के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स रख दिया। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम, और इस नियम और कानून के कारण लोग अपने घर पर नमक उपयोग नहीं कर पाते थे। हाउ कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सॉल्ट, कैसे कोई लोग बिना नमक के रह सकते हैं। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा हाउ कैन अ लो गांधी जी ने कहा हाउ सेड हाउ कैन अ लो एंड नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन, प्रकृति ने जो हमें दिया उसे कोई कानून कैसे, ये कैसा कानून है जो प्रकृति की दी हुई नमक को हम यूज नहीं कर सकते हैं। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी के साथ बहुत सारे इंसान थे, वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा के लिए जुड़ गए, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, अहमदाबाद से दांडी तक, सीसोर इन गुजरात, और दांडी गए इसमें प्रेजेंट में गुजरात में सीसोर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, और प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट। डू यू नो हाउ सल्ट इज मेड, क्या आप जानते हैं सल्ट नमक कैसे बनता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन सेलो बीड्स, समुद्र का जो पानी होता है एक वो छोटे छोटे बीड किनारियों किनारे किनारी करके उसके अंदर पानी भर जाता है, और आफ्टर सनलाइट में क्या होता है पानी सूख जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू नमक इंटू सल्ट। सेलो बेड डग इन द सैंड, मिट्टी के अंदर खोदा गया सेलो बेड होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, पानी क्या करती है पानी को वाष्प में उड़ने दिया जाता है, अलाउ किया जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, पानी के सूखने के बाद जो नमक होता है स्टूडेंट वो ग्राउंड के ऊपर रहता है। तो स्टूडेंट हियर हियर वी हैव लर्न्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर। ओके सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ओके स्टूडेंट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सी दिस वीडियो वेरी क्लियरली, बिकॉज स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विथ वाटर इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हाउ वी कैन यूज वाटर फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई न्यू वीडियो विथ न्यू चैप्टर। ओके स्टूडेंट थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।